नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जोन। मैं जो आज पतंगबाजी का जो वीडियो मैंने बोला था आपको, जो यूट्यूब पे मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, तब मैंने बोला था कि बहुत जल्दी पतंगबाजी का वीडियो आने वाला है, तो वो आज फाइनली डिसाइड हो गया है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, एक टीम यहाँ पे और दूसरी टीम यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है, और सामने करीबन तीन किलोमीटर दूर पतंगे जाती है आसमान में। ऐसे लंबाई नहीं, मैं इस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई जाएगी तो 3 किलोमीटर नहीं दिखेगी, लेकिन ऊंचाई पे 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर पूरी सद्दा चली जाती है, आप ऊंचाई से मानो या लंबाई से मानो। और फिर वहाँ जाके वो पतंगे लड़ती है, एक पतंग को लड़ने में करीबन 1 घंटा चाहिए। 1 घंटे के बाद आप मेरे हाथों की हालत देख पा रहे हो कितनी खतरनाक हो गई। और वो भाइयों का जोश बढ़ाने के लिए जो पतंग, एक पतंग लड़ती है और एक पतंग लड़ाने के लिए तैयार रखते हैं, उसके बाद में वो पतंग काटती है, उससे बाद में वो दूसरी पतंग जाती है। तो ऐसा वो है, और सभी की नज़रें केवल ऊपर आसमान की तरफ है, उसको देख रहे हैं कि क्या होता है माहौल। और आपको कैमरे से दिख नहीं पाएगा, लेकिन मैं आंखों से देखेंगे तो वो दिख सकता है। क्या कहते हो भाई लोगों, कटेंगे काटेंगे? ये देख लो, और जो पतंग लड़ाता है ना, उनका सब मिलके जोश बढ़ाते हैं कि भाई अपन को पतंग वो काटनी है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये दोनों पतंग जा रही है आसमान में, और आपको ऊपर में दिखा देता हूँ, नजर आ रही हो तो ये देखो सामने, और इससे आगे एक पतंग है, वो कैमरे में कैच नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जाएगी और देखते हैं ये दोनों पतंगें लड़ेगी। वह आपको एंड तक ये वीडियो में देख पाओगे आप, तो कंटिन्यू बने रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो वो जब भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, राजेश जोन। वो ये दो बात जावा सिपाही, ये मेरे लिए पतंग ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद में मैं ले लूँगा। क्या कहते हो? बहुत मेहनत करता है। क्या कहते हो पतंग के लिए? ठीक है, पतंग काटेगी आगे जाके? ठीक है क्या पतंग? बिल्कुल ठीक है, पतंग भी ठीक है। और ये भाई लोगों, देखते हुए पतंग का माहौल, वो जब ये पतंग फाइनली लड़ेगी ना, तब ये जो जितने भी है जो केवल पतंग के ऊपर ध्यान देंगे कि कटेगी नहीं कटेगी, और जो पतंग लड़ा रहा है उसका हौसला इतना बुलंद कर देंगे कि वो उसको चाहे से लड़ाना, पतंग काटना ही नहीं आता, लेकिन उसके हौसले से वो पता सामने वाले की पतंग काट देता। वो भी हौसला किस तरह मोटिवेट करते हैं लड़ाने वाले को, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, आपको बहुत इंजॉय देखने को मिलेगा। चलने दो दोस्तों, पतंग गई है फाइनली। ये देख लो किस तरह जोश बढ़ाते हैं एक दूसरे का, मैंने सोचा नहीं था कि जाने वाली है, लेकिन अब दूसरी से लो जी। आप गोलू भैया, गोलू भैया पतंग जाएगी इस तरह से? जाएगी? नहीं जाएगी। अरे जाएगी? नहीं जाएगा भाई। भाई साहब पूरा जोश दिखाते हुए पतंग को कंट्रोल करते हुए, ले लो। हनुमान जी, हाँ जी, क्या हुआ? पतंग लड़ रही है ना? पतंग लड़ रही है, बहुत दूर है, दूर है, लंबी है पतंग। चलो जाने दो उसको, फटाफट जाने दो और लड़ाओ उसको। तो बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों इस भी। एक बार यहाँ का जो टीम है पूरी, उसका एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए आप, उसके बाद में मैं मिलता हूँ आपसे, और मैं आपको दूसरी टीम से भी मिलाऊँगा, उस जगह पे जाऊँगा, वो दूसरी टीम उनसे भी मैं बातचीत करवाऊँगा आपकी, तो कैसा लग रहा है उनको, कैसा फील आ रहा है। और आपको कल बता देता हूँ, कल जो मॉर्निंग टाइम है बहुत कम हवा चल रही थी, तो मैंने भी आपको लाइव स्ट्रीम किया था, वो रात को मैंने करीबन 3 बजे से स्टार्ट किया था और शाम को 4:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम चला था, और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दोनों पे मैंने लाइव स्ट्रीम किया था। तो यूट्यूब पे भी तो वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। और आप सामने का एक बार जो टीम है उनका एक इंजॉय कीजिए, फिर से पतंग कट चुकी है।
दोस्तों इतनी सारी पतंगे पड़ी हुई है, लेकिन इस बंदे को देखो, सब मजा ले रहे पतंग उड़ाने का भाई, हवा नहीं चल रही। और ये क्या कह रहे भैया? लूडा। क्या कह रहे? लूडा। क्यों पतंग नहीं उड़ाने? देखो दोस्तों, ये जितने भी यहाँ गाँव के बच्चे हैं, ये इस जो फील्ड है पतंग उड़ा रहे हैं, उस जगह पे आ गए। और ये छोटे छोटे बच्चे पतंग लूटने का एंजॉय कर रहे हैं, हम उड़ाने के लिए बिजी है। और ये पतंग, कितनी पतंग लूटी तूने? पांच पतंग लूट ली। और उसके साथ मंजा आया था, वो कहाँ पे? अच्छा ये देख, छोड़ छोड़, ये देख लो। बचपन की याद दिला दी इस बच्चे ने। तो पहले हम भी छोटे थे ना, तो इसी तरह पतंग के पीछे भागते थे, और भागते थे ना तो नीचे कुछ भी आए, कांटे आए या कुछ भी आए, इस तरह भागते थे। और इस बच्चे ने पतंग की हमारे बचपन की याद दिला दी। और ये भाई लोग, थोड़ी हवा कम हो गई है, लेकिन यहाँ प्यार बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं। क्या हुआ गोलू, पैक क्यों कर रहा? अरे अभी लगा दिए ना, वो पतंग उठ के जाती है। अच्छा उठ के जाती है, मैंने सोचा चलने की तैयारी हो रही है। भाई हमने 100 पतंग काट दिया आज। ये फेंकने में एक नंबर है, बंदा है, फेंका लो जी, इसके अंदर अंदर है 100 पतंग। एक पतंग बंदे उड़ाई नहीं, 100 पतंग काट दी। मैं फेंकने का पैसा लेता हूँ। ये देख लो, फेंकने के पैसे लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो पतंग आसमान में देख पा रहे हो, बहुत हवा कम चल रही है, इस वजह से हमने जो पतंगबाजी रुक गई। और सामने वाली पार्टियों की, वो सामने से पतंग आ रही है, वो उस तरफ उड़ा रहे, तो चलते हैं उनके पास, लेके चलूँगा आपको थोड़ा, और यहाँ पे इंजॉय कर ले, उसके बाद में वहाँ पे चलेंगे। और वहाँ से आपको जो भी कितने लोग हैं वहाँ, और कैसे कैसे पतंग है उनके पास में, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास करीबन 10 से 12 तो मंजे के जो चरके है वो है, और कम से कम 150 पतंग है। और ये जो ग्रुप बनता है वो कोई 20 पतंग लेके आया, आपको मैंने बताया होगा पहले वाली वीडियो में, मैंने 20 पतंग लेके आया था। तो ऐसे 20 पतंग लेके बहुत सारी पतंगें हो जाती है, उसके बाद में हम ये कंटिन्यू करते हैं। और आज के दिन पूरा ऐसा ही चलेगा, तो कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भाई मेरी सुपारी खाओ, टेंशन दूर करो। और हेलो, ये भाई लोग क्या हुआ? बैंडेज दिन। कितनी पतंग काटी आज सुबह से आपने? बैंडेज दिन चिपका एक में। पांच पतंग काट दी। और एक पतंग को लड़ाने में कितना टाइम लगता है? समथिंग है ऐसे 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा। ये देख लो, वो सिटी वाली पतंग नहीं है, ये गांव वाली पतंग है, तो करीबन आधा घंटा तो लगता है। और जो कट जाती है तो मूड खराब हो जाता है, और सामने वाले काट देते हैं ना तो इतनी खुशी होती है, उस खुशी को कैमरे में आप कैद नहीं कर पाऊंगा मैं, उस खुशी को जो बंदा लड़ा रहा होता ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बने रहे दोस्तों। दोस्तों सुबह से खूब इंजॉय किया, तो आई होप आपको ये जो वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, आया होगा। तो इस वीडियो को मैं एंड यहीं पे करता हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पीछे दोस्त लोग पतंगे उड़ाने में बिजी हैं, और मैंने भी खूब इंजॉय किया है यहाँ पे, और आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।